नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस अपडेट में आज बताता हूं। सिंगापुर में सिंगापुर बैंक अचानक खाली कर दिया गया जब वहां दो पेशेंट्स को संक्रमण होने की आशंका हुई और मरने वालों की कुल तादाद अब 1500 पार कर गई है। इस वीडियो में आप एक चाइनीज जर्नलिस्ट को देख रहे हैं, ये पेनलाइज भी किए जा चुके हैं और दूसरे चाइनीज जर्नलिस्ट गायब बताए जा रहे हैं। इन लोगों ने ऑनलाइन चाइनीज कोरोना वायरस पर अपडेट किया था या जानकारियां शेयर की थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना पे आरोप लगाया है कि वो जानकारियों का सेंसरशिप कर रहे हैं, वो जानकारियां बाहर नहीं आने दे रहे हैं। ये वो डॉक्टर ली वेनलियांग हैं जिनकी मृत्यु इसी वायरस से हो गई थी और ये विसल ब्लोअर थे। ये फिर आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो उस जर्नलिस्ट ने, जो जर्नलिस्ट गायब है, उन्होंने ये वीडियो अस्पताल की शेयर की थी जिसकी वजह से उन्हें पकड़ लिया गया है या वे गायब हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रीफिंग बुलाई थी कोरोना वायरस पे, जिसमें इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। यदि ये बीमारी चाइना के बाहर फैल गई तो इसे फैलने से रोकना बहुत मुश्किल होगा। चाइना इसलिए शायद अपनी यहाँ की जानकारियों को बाहर नहीं आने दे रहा है और जो डेटा है वो डेटा कुछ और हो सकता है। दो चार दिन पहले एक सैटेलाइट की तस्वीर भी आई थी जिसमें वुहान के ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड के ज़्यादा मात्रा में होने की आशंका जताई गई थी। वो भी इसलिए जताई गई थी कि जब आप ज़्यादा संख्या में लाशों को जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है उससे, तो इससे आशंका जताई जा रही थी कि वहाँ मास क्रीमेशन हुआ है। नोवेल कोरोना वायरस का नया नाम भी दिया गया, कोविड 19। दुनिया के देशों के साइंटिस्ट यहां जमा हुए और उन्होंने कोरोना वायरस की अपडेट पे चर्चा की और चिंता भी जताई। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन चीफ साइंटिस्ट हैं WHO की, उन्होंने कहा सब मिलकर जल्द से जल्द मेडिसिन या वैक्सीन बना लें। एरोसोल ट्रांसमिशन या हवा से हवा में फैलने की वजह से खतरा बहुत ज़्यादा हो गया है। चीन के वुहान शहर की ये सी फूड मार्केट है जहाँ से ये कोरोना वायरस फैली थी, यहीं पे सबसे पहले मरीज देखे गए थे और डॉक्टर वेनलियांग ने भी अपना पहला मैसेज यहीं से दिया था कि कोरोना वायरस हो जाने की आशंका है। यदि इस पे ध्यान दिया गया होता तो शायद आज कोरोना वायरस आउटब्रेक की ये स्थिति नहीं होती। वैसे चीन में जो सेंसरशिप की हालत है, मरीजों की संख्या लाखों में हो सकती है जो हमें बताया नहीं जा रहा है, और संक्रमण भी कम से कम 10 लाख 15 लाख हो सकती है, कहना मुश्किल है। चाइना ने कितना सेंसरशिप किया है, हमें भी सावधान रहने की ज़रूरत है और इसके उपाय बचने के पहले ही कर लेने चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव ज़रूर दें, स्वास्थ्य पे ध्यान दें, हाथों को धोएं, नाक मुंह और आँख को ना छुएं बिना हाथ साफ किए हुए।